हेलो डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका। मैं अवनीश बाजपाई, डायरेक्टर हिस्टोरिका विजन एजुकेशन प्राइवेट लिमिटेड, आपका स्वागत करता हूं। एयरफोर्स नॉन टेक ग्रुप वाई की टेस्ट सीरीज चल रही है। डियर स्टूडेंट, जिन बच्चों ने कल आप लोगों ने अटेंड किया हुआ था एयरफोर्स नॉन टेक्निकल टेस्ट, टेस्ट आई डी 16045, और वैसे बच्चे जिन्होंने इस टेस्ट को नहीं दिया और उनके पास अगर ये टेस्ट पेपर नहीं, तो आप इस पर्टिकुलर वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में गिवन लिंक है, उस लिंक के थ्रू आप इस टेस्ट पेपर को डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए आते हैं, शुरुआत करते हैं आज इस टेस्ट पेपर्स के सॉल्यूशन को। सबसे पहले ऐसे बच्चे जिन्होंने आपका ये अभी तक हमारा वीडियो सब्सक्राइब नहीं किया हुआ, तो उनसे हमारी रिक्वेस्ट है कि वो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आपको ढेर सारा, आपको यहाँ से यूजफुल मटेरियल, यूजफुल वीडियोस मिलेंगे, आपको ढेर सारा कंटेंट भी मिलेगा। आप हमारे ऑनलाइन क्लासरूम प्रोग्राम को भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो लेट्स स्टार्ट विथ टेस्ट। ये टेस्ट आईडी 16045 है। जिन बच्चों के पास ये टेस्ट नहीं, वो गिवन लिंक से डाउनलोड कर सकते हैं। इस टेस्ट पेपर में जैसा कि आपको पता है, नॉन टेक्निकल के टेस्ट में दो सेक्शन होते हैं। पहले सेक्शन में इंग्लिश हो, जिसपे 20 क्वेश्चंस पूछे जाते रहते हैं, और ये क्वालिफाई करना मस्ट होता है। इसमें क्वालिफाइंग मार्क्स आपका 10 मार्क्स होते हैं, यानी 50% मार्क्स, नेगेटिव मार्किंग का कॉन्सेप्ट रहता है। और दूसरा सेक्शन रागा यानी रीजनिंग एंड जनरल अवेयरनेस का, जिसमें 30 क्वेश्चंस रहते हैं। नेगेटिव मार्किंग रहती है क्वेश्चन पेपर में 0.25 की। ऑनलाइन पेपर फॉर्मेट रहता है, ऑनलाइन आपको टेस्ट देना होता है। देन जनरली आपका इसका शुरुआती जो कट ऑफ है, वो शुरुआती कट ऑफ तो आपका 25, 26, 27 नंबर के आसपास रहता है, लेकिन ओवरऑल आपको मेरिट में आने के लिए कम से कम आउट ऑफ 50-35 मार्क्स कम से कम आपको स्कोर करने होंगे, देन आप मेरिट में स्टैंड कर पाओगे। तो आपका टारगेट होना चाहिए कम से कम आपका इस क्वेश्चन पेपर में 37 से 38 मार्क्स तक पहुंचने का। आप जो बच्चे आपका काफी दूर रह रहे हैं और वो कोचिंग नहीं कर सकते, तो ऐसे बच्चों के लिए हमारे संस्थान एनडीएएफ कैट, एयरफोर्स एक्सवाई और नेवी के एसएसआर डबल ए के लिए ऑनलाइन कोर्स प्रोग्राम भी आपका रन कर रहा है, जिसमें आपको हम पेन ड्राइव कोर्स उपलब्ध करा रहे हैं। आपको हम अपनी ऐप के थ्रू टेस्ट पेपर्स भी देने का मौका दे रहे हैं, साथ में आपको लाइव क्लासेस भी मिल रही है। तो ऐसे बच्चे आपका इस गिवन नंबर 8765011166 पर संपर्क कर सकते हैं। चलिए आइए स्टूडेंट्स, आज जो ये क्वेश्चन पेपर है उसमें शुरुआत करते हैं। सबसे पहला जो हमारे पास क्वेश्चन है, दैट इज स्टार्टिंग विद द क्वेश्चन नंबर 1 इंग्लिश के सेक्शन में, कुल मिला के 20 क्वेश्चंस, उस पर देखते हैं, वर्कआउट करते हैं, राइट। तो भाई पहला सवाल, करीब करीब 2-3 सवाल हर क्वेश्चन पेपर में आते हैं, जिसमें आपको फिलअप करना होता है एक प्रॉपर वर्ड फिलर के फॉर्म में, या फिर आपको वहां पर कोई हेल्पिंग वर्ब या कुछ भी ऐसा हो सकता है जो कि आपको फिलअप करना रह सकता है। तो सबसे पहले चलिए आइए हम लोग यहां पर वर्कआउट करते हैं इस इंग्लिश वाले सेक्शन में। इसमें दिया हुआ एट सेंस अर्ली मॉर्निंग, आपको बीच में एक वर्ड फिलअप करना और सही जवाब क्या होना चाहिए। तो आपको यहां पर सुबह से बरसात हो रही है, इट हैज बीन रेनिंग सेंस अर्ली मॉर्निंग। तो पहले क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा, सी। ओके, दूसरे सवाल पर आने से पहले, तो मैंने बताया पहले सवाल का सही जवाब क्या होगा, इट हैज बीन रेनिंग सिंस अर्ली मॉर्निंग। दूसरा है, ही जंप्ड ऑफ द बस व्हाइल इट, वो बस से कूद गया जबकि, तो यहां पर सही जवाब आपका क्या होना चाहिए, व्हाइल इट वॉज मूविंग, जब बस चल रही थी तो वो बस से क्या हो गया, कूद गया। तीसरा, द मैच विल स्टार्ट व्हेन द रेफरी, मैच तब शुरू होगा जब रेफरी क्या करेगा, जब रेफरी आएगा ना, विल कम। देन क्वेश्चन नंबर 4th की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4th है, ये आपको इस इडियम का मतलब बताना है, टू बेल द कैट यानी टू टेक लीड इन डेंजर। जैसे बिल्ली की आपका अगर घंटी बांधनी हो, तो इसका मतलब आपको बहुत ही आपका मुश्किल कार्य पूरा करना, टू टेक लीड इन डेंजर। नेक्स्ट आपका टू बी इन अ फिक्स, इस idiom का मतलब होता है टू बी इन परप्लेक्सिटी। नेक्स्ट आता है हमारे पास जो अगले आपके 6-8 नंबर के क्वेश्चन है, उनमें आपको सेंटेंस में एरर आपको फाइंड आउट करनी है। None of the two brothers came to see my father, no error. यहाँ पर two भी लगा है और brothers, यहाँ पर इस वजह से आपका error इसी part में, जब हमने number लगा दिया तो यहाँ पर इसका प्रयोग नहीं होना चाहिए था, इस वजह से 6 का सही जवाब होगा A. Next है, bread and butter is wholesome
फूड, होलसम फूड नहीं होता है, डिलीशियस फूड होता है, इस वजह से प्रॉपर आपका वर्ड का इस्तेमाल नहीं हुआ, इस वजह से इसको यहां पर गलत करेंगे पार्ट सी को. नेक्स्ट आता है आई शैल राइट टू यू व्हेन आई शैल रीच मुंबई, नो एरर. अब आपको देखना है इसके किस पार्ट में आपका एरर है. यहां पर शैल का दो बार यूज हो रहा है ना, तो इस वजह से आपका, हमने पहले भी शैल का इस्तेमाल किया बाद में भी, इस वजह से आपका इसमें जो गलत होना चाहिए वो सी पार्ट गलत होना चाहिए. नेक्स्ट आते हैं, मैं सिनोनिम बताना है. फिक्शन, फिक्शन का सिनोनिम होता है आपका इमेजिन. फिक्शन यानी आपका जो चीजों को हम सोचते हैं, इमेजिन भी आपका वही है, काल्पनिक. कालिदास, इसमें आपको फिलअप करना है सुटेबल आर्टिकल. कालिदास एज शेक्सपियर ऑफ इंडिया, अब आपको यहां पर फिलअप करना है ए एन द में से, तो यहां पर प्रॉपर आपका क्या आएगा, कालिदास इज द शेक्सपियर ऑफ इंडिया. नेक्स्ट आते हैं हम लोग डियर स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 11th पर. क्वेश्चन नंबर 11th है हमारा, इसमें आपको एंटोनिम बताना है. ग्रेव, ग्रेव का एंटोनिम आपका इनमें से होगा क्या, ट्रिफिल यानी कब्र ना. नेक्स्ट आता है हीट, हीट का आपका एंटोनिम क्या होगा, हीट का एंटोनिम होता है केयरलेस. केयरलेस हीट आपका, जब हम बहुत केयरिंग होते हैं, और केयरलेस उसका एंटोनिम. नेक्स्ट आपको यहां पर ग्रामेटिकली करेक्ट करने के लिए आपको एक फिलअप करना है करेक्ट अल्टरनेटिव. ही इज इनोसेंट, ही इज इनोसेंट यहां पर क्या होना चाहिए, इनमें से आपका जो प्रीपोजिशन आप फिलअप कर सकते हो दैट इज ऑन, ही इज इनोसेंट ऑन द क्राइम. नेक्स्ट है ही इज नॉट एग्री योर सजेशन, ही इज नॉट एग्री, किसी की सजेशन से एग्री नहीं है, तो हम आपका क्या यूज करेंगे, टू, इज नॉट एग्री टू योर सजेशन. 15 में ही वॉज एक्यूज्ड थेफ्ट बाय द पुलिस, तो यहां पर एक्यूज के बाद हमेशा क्या आता है, ऑफ आता है, फिक्स प्रीपोजिशन है. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 से 20 तक आपका ये पैसेज दिया हुआ है. वंस एन आंट हु हैड कम टू ड्रिंक एट अ स्ट्रीम फेल इनटू द वाटर एंड वॉज कैरीड अवे बाय द स्विफ्ट करेंट, नदी की धारा के जरिए वो जो बिल्ली पानी पीने के लिए आई थी वो दूर बह के चली गई. शी वॉज इन ग्रेट डेंजर ऑफ ड्रोनिंग, डूबने के कगार पर थी, खतरे में थी. अ ड्रोव प्रेस्ड ऑन अ नियरली ट्री सा द आंट इन द डेंजर एंड ड्रॉप्ड अ लीफ इनटू द वाटर, तो भाई एक जो आपका देख रहा था इसको एक परिंदा, वो उसने क्या किया, एक पत्ता डाल दिया, और इस तरीके से क्या हुआ, जो चींटी थी आपका वो उस पर बैठ के जो है ना किनारे आ गई. तो भाई इस तरीके से जो आपका कुछ टाइम हो जाता है, सम टाइम आफ्टर दिस अ हंटर क्रीपिंग थ्रू द बुशेस सा द डो एस्लीप एंड टू केयरफुल एम विद हिज गन. ही वाज अबाउट टू फायर व्हेन द आंट वाज नियर बाय क्राउड फॉरवर्डेड एंड बिट हिम शार्पली इन द एंकल, तो जो शिकारी आपका जो लगभग निशाना लगाने वाला था उसके आपका चीटी ने क्या कर लिया, एंकल पर काट लिया. दस द हंटर मिस्ड हिज एम एंड द लाउड नॉइज ऑफ द गन अवेकेंड द डो फ्रॉम हिज हर स्लीप, और इस तरीके से डूब की आपका जान बच गई क्योंकि आपका जो आवाज हुई उससे वो जग गई. शी सा हर डेंजर एंड फ्लू स्विफ्टली अवे टू सेफ्टी, और वो धीरे से वहां से उड़ गई. दस द आंट रिपेड द डो ऑफ हैविंग सेव्ड इन द फूमिंग करेंट ऑफ द स्ट्रीम, इस तरीके से आपका जो आंट यानी चीटी थी उसने आपका उस डूब की जान बचाई. तो 16 नंबर क्वेश्चन है द आंट केम टू द स्ट्रीम टू, क्यों आपका चीटी आपका स्ट्रीम यानी नदी की धारा के आपका उसमें आ गई थी, इसका कारण आपका क्योंकि वो पानी पीने गई थी, ड्रिंक एट इट. आगे आपका 17वां सवाल द डो ड्रॉप अ लीफ इनटू द वाटर टू, ड्रोप ने आपका जो लीफ यानी पत्ती आपका पानी में ड्रॉप की थी वो क्यों की हुई थी, तो आपका उसका रीजन तुम्हें साफ साफ समझ में आना चाहिए पैराग्राफ से क्या होगा, सेव द आंट. नेक्स्ट क्वेश्चन है द डॉ वॉज इन डेंजर बिकॉज, क्यों डेंजर नहीं था क्योंकि हंटर आ गया था ना, तो सही जवाब क्या होगा, सी. नेक्स्ट आते हैं 19 में द वर्ड एम इन दिस पैसेज, एम का अर्थ होता है ना निशाना लगाना टारगेट करना, तो जरा इनसे रिलेटेड आप देखिए यहां पर आपको कौन सा मिलता है, यहां पर हो जाएगा टू पॉइंट अ गन एट समथिंग आर समवन. नेक्स्ट है 20th एंड लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस इंग्लिश सेक्शन द आंट रीपेड द डॉग बाई, कैसे आपका उसने रीपेड किया यानी अपना जो एहसान है उसका बदला उसने कैसा कैसे दिया पूरा किया, तो उसने आपका हंटर के काट लिया था एंकल पे, इस वजह से उसकी जान बची, देन जवाब होना चाहिए बिटिंग द हंटर. आते हैं रागा के सेक्शन में. सबसे पहले शुरुआत भारतीय संविधान कब अंगीकार किया गया, वेन वॉज एडॉप्टेड, बस आप इन दो डेट्स में कंफ्यूज होते रहते हैं, 26 जनवरी 1950 और 26 नवंबर 1949. It was adopted on 26th of November 1949. Completely इसको आपका हमने लाए हैं existence में 26 जनवरी 1950 को, लेकिन सिर्फ यहां बात कर रहा कब अंगीकार किया गया, adopt किया गया, then सही जवाब dear students होगा 26th of November 1949. Next आपका 22वां सवाल है, इनमें से आपका चार, जो चार तीन नेता है इनमें से कौन सा नरम दली नहीं था,
भाई इनमें से कौन नरम बलि नहीं था, इनमें सबके सब लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और बिपिन चंद्र पाल सबके सब आपका गरम दली थे। तो इसका मतलब आपका इनमें से कोई भी नरम दली नहीं था। जवाब क्या हो जाना चाहिए? डी। कांग्रेस 1917 में आपको पता होना चाहिए 16 में जब दो भागों में बट्टी गरम दल और नरम दल में, तो जो गरम दल का प्रतिनिधित्व कर रहे थे उनमें आपका बाल पाल और लाल थे। तो बाल पाल और लाल आपका यही है, बाल गंगाधर तिलक बिपिन चंद्र पाल, ये पाल हो गए, बाल पाल और लाल आपको याद रखना, ये गरम दल के नेता थे। नेक्स्ट आते हैं 23वें सवाल में, विषाणु यानी वायरस के कारण आपका उत्पन्न होने वाले रोग कौन से हैं? तो इसके लिए सही जवाब आपका मिलेगा आपको डी, मिजल्स यानी चेचक, स्मॉल पॉक्स हो जाते हैं ना चिकन पॉक्स, मम्स और रेबीज, ये आपका जो रोग है डिजीजेस, ये किसकी वजह से होती है? वायरस की जगह। टबैको में क्या होता है? अब आपने देखा होगा एड ना, टोबैको में दिखाया जाता है कि बहुत ढेर सारा टार होता है ना, और इस वजह से आप अगर सही जवाब पर जाओगे तो आपको जवाब मिलेगा कार्बन मोनोऑक्साइड, पॉलीक्लिक, और इसके अलावा आपको यहां पर दिया हुआ टार। तो इस तरीके से सही जवाब 24वें सवाल में क्या होना चाहिए? सी। 25वें सवाल पर आते हैं, AK-47 राइफल, ये आपका इसके जो डिजाइन रचनाकार थे उनका नाम था मिखाइल क्लॉशनेव, इसी वजह से इसको नाम आपका हमने एक के दिया हुआ, यहां किस अर्थ आपका क्लॉशनिकोव है, और ये किस देश के निवासी थे? तो ये रशिया के थे। इनका बेसिकली आपका एक एक्सीडेंट हुआ था जिसमें इनका ये काफी टाइम पर हॉस्पिटल में रहे, और ये ऐसा बंदा था जिसने हॉस्पिटल में ही इस राइफल को तैयार कर दिया था। आते हैं डियर स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 26 पे। 26 में आपसे कह रहा है कि इनमें से कौन सा पेयर सही ढंग से मिलाया नहीं गया। तो आप देख रहे हो कि भाई पेयर इसमें जितने भी आपका वो सही से कौन सा मिलाया नहीं गए हैं। तो आप देखिए, पहला शेर ए पंजाब लाला लाजपत राय को कहते हैं, लोकहितवादी हम लोग गोपाल हरी देशमुख को कहते हैं, लोकमान्य हम लोग बाल गंगाधर तिलक को कहते हैं, जो गलत है वो भारत कोकिला, भारत कोकिला कहा जाता है सरोजनी नायडू को, और इस वजह से आपका जो गलत यहां पर मैच है वो भारत कोकिला का है। एक और डियर स्टूडेंट्स ध्यान देने वाली बात है, भारत कोकिला ध्यान रखिएगा सरोजनी नायडू, और जब बात आ जाए स्वर कोकिला की ना, तो स्वर कोकिला हम लोग किनको कहते हैं? स्वर कोकिला कहते हैं लता मंगेशकर को। नेक्स्ट सवाल आते हैं क्वेश्चन नंबर 27 पर, मदर टेरेसा को शांति के लिए नोबेल पुरस्कार कब दिया गया, किस वर्ष में? मदर टेरेसा को नोबेल प्राइज मिला 1979 में, नॉर्वे नोबेल कमेटी, नॉर्वे जो कि आपका यूरोप में है, शांति का नोबेल पुरस्कार नॉर्वे में दिया जाता है, नॉर्वे की कैपिटल ओस्लो, और मदर टेरेसा जो कि एक यूरोपियन कंट्री, छोटा सा देश है आपका अल्बानिया यूरोपीय महाद्वीप में, वहां से आई भारत में, उन्होंने कुछ दिन टीचिंग करी, उसके बाद आपका वो समाज सेवा में रही, इस वजह से आपका उनको समाज सेवा के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया कब, 1979 में, भारत में जो है इनको आपका पुरस्कार मिला, प्रथम भारतीय महिला जिनको आपका नोबेल पुरस्कार मिला। उसके बाद बात करते हैं इसमें से कौन सी फिल्म मुंशी प्रेमचंद की कृति पर आधारित थी, ये कुछ फिल्मों के नाम है, पा प्यासा परिणिता सदगति, तो मुंशी प्रेमचंद की आपका रचना पर आधारित है सदगति, और मुंशी प्रेमचंद की जो आपका नॉवल थी उसका भी नाम क्या था, सदगति, उस पर जो फिल्म भी बनाई गई उसका भी नाम क्या था, सदगति। जैसा आपको पता है पा भी मूवी बन चुकी, परिणिता भी बन चुकी है। फिलहाल अगला सवाल आता है, पूंजी बाजार का संबंध किससे, कैपिटल मार्केट किससे आपका रिलेटेड है? कैपिटल मार्केट का संबंध आपका लॉन्ग टर्म फंडिंग से होता है, जब कंपनियों को आपका दीर्घकालिक पैसे की फंडिंग की जरूरत होती तो वो कैपिटल मार्केट का रुख करती हैं, जबकि जो मनी मार्केट होता है, मनी मार्केट किससे रिलेटेड होता है, शॉर्ट टर्म फंडिंग से। कैपिटल मार्केट का ही आपका एक पार्ट है सेकेंडरी मार्केट, और वो सेकेंडरी मार्केट आपका टैकल करता है शेयर मार्केट को। नेक्स्ट सवाल है 30वां, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? ज्यादातर लोग यहां सरोजनी नायडू लगा देते हैं, गलत जवाब हो जाएगा, सुचेता कृपलानी लोग लगा देते हैं, ध्यान रखिएगा ये सारे नाम आपका बहुत बार आपको एग्जाम में कंफ्यूज करेंगे, लेकिन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो पहली आपका महिला अध्यक्ष थी वो कौन थी? एनी बेसेंट, सरोजनी नायडू, जिन आपके अभी ऊपर सवाल ऑलरेडी आप आ चुका है, सरोजनी नायडू को हम लोग भारत कोकिला कहते हैं, ये उत्तर प्रदेश की या भारत की आपका किसी भी राज्य की प्रथम महिला राज्यपाल, और सुचेता कृपलानी थी आपका प्रथम महिला मुख्यमंत्री, दोनों का संबंध आपका उत्तर प्रदेश से रहा। नेक्स्ट आते हैं
अंतर्राष्ट्रीय ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय ओजोन दिवस आप मनाते हो 16 सितंबर को। सही जवाब होगा बी। तेलंगाना राज्य किसका विभाजन आप सबको पता होना चाहिए। तेलंगाना को हमने आंध्र प्रदेश को डिवाइड किया, आंध्र प्रदेश से अलग होकर कौन सा राज्य बना? तेलंगाना नया राज्य। अगला सवाल आते हैं डियर स्टूडेंट्स, अर्थशास्त्र के जनक कौन है? अर्थशास्त्र के जनक अमेरिकन अर्थशास्त्री एडम स्मिथ हैं। इनकी किताब का नाम है वेल्थ ऑफ नेशन और इन्होंने आपका दुनिया में पूंजीवादी विचारधारा को विकसित करने में मदद की। एडम स्मिथ के अनुसार जितनी भी आर्थिक गतिविधियां होती हैं उन सभी आर्थिक गतिविधियों का यानी इकोनॉमिक एक्टिविटीज का एकमात्र ऑब्जेक्टिव उद्देश्य होता है धन कमाना। धन अर्जन यानी समस्त आर्थिक गतिविधियों का एकमात्र उद्देश्य होता है। चौथे सवाल में भारत में सर्वाधिक महत्वपूर्ण ऊर्जा स्रोत क्या है? भारत पूरी तरीके से आपका तो नहीं कह सकते लेकिन अब काफी हद तक आपका कोयला यानी थर्मल पावर प्लांट्स के ऊपर बेस्ड है। तो भारत में ऊर्जा का महत्वपूर्ण स्रोत कौन सा है? कोयला। न्यूक्लियर एनर्जी में भी हम आपका डेवलप कर रहे हैं, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर्स में भी डेवलप कर रहे हैं और भारत में आपका नई क्रांति आपका वो सोलर क्रांति आई हुई है उस पर भी आपका वर्कआउट कर रहे हैं लेकिन फिलहाल अभी भी आपका मुख्य रूप से भूमिका निभाता है कौन? ये कुल। नेक्स्ट 35वां सवाल, रॉकेट इनमें से किस सिद्धांत पर काम करता है? तो रॉकेट भी आपका कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम पर कार्य करता है। आपने देखा होगा रॉकेट जब हम कोई छोड़ते हैं तो उसमें पीछे से गैस निकलती ना और गैस निकलने के कारण होता है क्या, जब गैस एग्जॉस्ट करती एक डायरेक्शन में तो रॉकेट को आपका वो दूसरे डायरेक्शन में आपका मोमेंटम गेन करने में मदद करती है। अगला 36वां सवाल है, इसमें 15 × 71 ये भी 48 आ जा रहा है। कैसे आ जा रहा है ये 48? इस चीज को समझते हैं। तो 48 आने का इसका है, इसको जोड़ लीजिए, इसको जब जोड़ लेंगे आपका कितना हो जाएगा 6 और इसको जोड़ लीजिए 7 और 1 कितना हो गया 8, 6 और 8 को आपस में गुणा कर लीजिए 6 8 का 48। बिल्कुल सेम पैटर्न पर आप वर्कआउट करेंगे। यहां पर 49 दिया हुआ, 49 9 4 को जोड़ने पर हो गया 13 और इधर हो गया 4, 13 और 4 का गुणा कर लीजिए, जवाब आपको मिल गया कितना 52। अगला सवाल आते हैं, इसमें आपसे पूछा जा रहा है कि कौन सी आकृति महीना सप्ताह और दिन? बिल्कुल सीधा सा आपका जवाब हो जाएगा कौन सा, दिन सबसे अंदर आएगा, दिन यानी डे, ऊपर कौन आ जाएगा सप्ताह यानी कौन वीक और उसके बाद कौन आ जाएगा मंथ। डे आता है वीक के अंतर्गत, वीक आता है मंथ के अंतर्गत। नेक्स्ट सवाल आपका पूछा जा रहा है 38, यात्रा और सहयात्री। यात्रा में आपको कौन मिलते हैं? सहयात्री मिलते हैं जब आप ट्रेवल करते हो तो आपको आपके कंपेनियंस मिलते हैं। जब आप किसी पेशे में लगे होते हो, आप प्रोफेशन आपका अपनाते हो तो उसमें आपके साथ के लोग जो कार्य करते हैं उनको क्या कहते हैं? कलीग कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 39, इसमें कह रहा है कि द एज ऑफ फादर इज ट्वाइस देन दैट ऑफ द एल्डर सन, 10 इयर्स हेंस द एज ऑफ द फादर विल बी 3 टाइम्स दैट ऑफ द यंगर सन इफ द डिफरेंस ऑफ बिटवीन द एजेस ऑफ द सन टू सन्स इज 15 इयर्स, देन आपको बताना है यंगर सन की एज क्या है। अब यहां पर भाई आपको दिया हुआ है कि दोनों पुत्रों की आयु के बीच में 15 वर्ष का अंतर है। अगर एक पुत्र की आयु को हम एक्स मान ले तो दूसरे की आयु मान लिया बड़ा वाला जो हमारा एल्डर वाला है अगर उसकी एज को एक्स मान ले तो जो यंगर हो जाएगा, यंगर आपका 15 साल छोटा हुआ है ना, दोनों के बीच में 15 का अंतर है तो ये हमारा हो जाएगा एक्स माइनस कितना 15। अब आप यहां पर फादर कह रहा पिता की आयु बड़े पुत्र की दोगुनी है तो फादर इक्वल टू कितना हो जाएगा, फादर इक्वल टू हो जाएंगे यहां पर से इसका दो गुना बड़े वाले की एज एक्स है तो 2x हो गया। अब कह रहा 10 वर्ष पश्चात 10 साल बाद फादर, अभी अगर 2x के तो 10 साल बाद कितना हो जाएंगे 2x प्लस 10 के हो जाएंगे, जबकि अगर हम बात करें छोटे वाले पुत्र की तो छोटा वाला पुत्र अभी x माइनस 15 का है तो छोटा वाला पुत्र 10 साल बाद x माइनस 15 प्लस 10, x माइनस 15 प्लस 10 करोगे तो ये कितना रह जाएगा x माइनस 5 और इसका पिताजी कितने गुना हो जाते हैं 3 गुना। यहां से जब x की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो x की वैल्यू यहां से कितनी निकल के आएगी, ये 5 या 15 10 25 हो जाएगी, x 25 हो गया यानी बड़े पुत्र की आयु कितनी हो गई 25, 25 से 15 घटा देंगे तो आपको निकल आएगी छोटे पुत्र की आयु यानी कितने वर्ष 10 वर्ष। इसमें आपको सीरीज कंप्लीट करना बहुत ही आसान है, प्लस 111 होता जा रहा है, देखिए हर एक आपका जो पहली डिजिट है वो एक एक बढ़ रही है, ऐसे हर एक केस में हो रहा तो प्लस सिर्फ 111111 हो रहा तो जवाब आपका यहां पर आपका जो 111 ऐड कर देंगे तो आपको मिल जाएगा 667। नेक्स्ट सवाल आपका, इनमें से बेमेल छाटना है ऑड वन कौन है? ये सारे आपका पोर्ट्स के नाम है, कांडला पोर्ट आपको पता होना चाहिए कहां पर है, गुजरात में है। जो पेनाम्बूर है, पेनाम्बूर कहां पर आपको पड़ेगा, पेनाम्बूर जो पोर्ट है ये कर्नाटका में है और तुतिकोरन पोर्ट कहां पर है, तमिलनाडु में, जबकि ये क्या है शिवालिक, शिवालिक रेंजेज है, माउंटेन रेंजेज है, इस वजह सबसे बेमेल कौन सा है इसमें, ये आपका शिवालिक। नेक्स्ट सवाल आता है हमारा,
इनमें से आपका अलग कौन है, पिच स्टंप क्रीज, आप सबको पता है क्रिकेट से संबंधित हो गया, ड्यूस अलग होगा। ड्यूस कहां से रिलेटेड भाई, ड्यूस दो जगह से रिलेटेड है। ड्यूस एक तो आपका कार्ड से रिलेटेड है, प्लेइंग कार्ड्स, ताश के पत्ते जब खेलते हो ना उसमें कोई भी दो, एक आपके पास दो गुलाब, दो आपके पास पान के पत्ते आ जाए या दो आपके पास हुकुम के पत्ते, अगर ऐसे कोई अभी आपके पास आ जा रहे पत्ते तो ये ड्यूस कहलाता है। या दूसरा ड्यूस जो आपका है ये टेनिस में यूज होता है, जब कोई आपका मैच बराबर हो जाता है तो ये ड्यूस होता है, इनी मैच टाई हो जाता है। तो ड्यूस को खत्म करने के लिए आपको दो बार लगातार स्कोरिंग करनी होती है, दो स्कोरिंग पॉइंट्स करने होते हैं मैच को खत्म करने के लिए। 43 दिया हुआ है, ये आपका एक डाइस है, उस डाइस की ये तीन पोजीशंस हैं और आपको बताना अगर इसको हम आपका ओपन करें तो इसमें कौन नजर आएगा। जरा इन दोनों से देखिए, इन दोनों में कॉमन क्या है, दोनों में 3 और 5 है, तो यहां से ये पता चल गया कि भाई 1 का अपोजिट कौन है, 2 है, क्योंकि यहां से 3-5 खत्म, 1 का अपोजिट 2। अगर आप इस इन दोनों को देखेंगे तो इन दोनों में आपको कौन कौन सी चीजें नजर आ रही, 2 और 3, यहां पर भी 2 और 3, तो यहां पर बचा 5, यहां बचा 4, यानी 5 का अपोजिट कौन हो जाएगा, 5 का अपोजिट हो जाएगा 4। अब बच कौन रहा है, बच रहा है 3, और 3 के साथ कौन आपका 6। तो ये चीज देखिए आपको कहां पर मिल रही है, हमें चाहिए 1 का अपोजिट 2, 3 का 6 और 4 का 5। तो देखिए यहां पर ये आपका अल्टरनेट आपको लेने होते हैं, 4 का 5 हो गया, ये 3 यहां आ जाएगा, ऊपर थोड़ा सा शिफ्ट कर लीजिए, 3 का अपोजिट ये 6 हो गया और 1 का अपोजिट कौन हो गया, 2। तो इसका मतलब जो फॉलो कर रहा है आपका फिगर वो कौन सा है, सी। नेक्स्ट क्वेश्चन 41 पर आते हैं। 41 नंबर क्वेश्चन यहां पर कह रहा है कि इनमें से कौन सी आपका क्वेश्चन फिगर का सही प्रतिबिंब होगा। ये मेरा रखा हुआ कैसे रखा, वर्टिकल रखा, चेंज होंगे ऐसे लेफ्ट राइट, यानी आपको जो लेफ्ट पोर्शन है वो राइट में, ये सर्किल आपका किधर की तरफ आना चाहिए, राइट की तरफ आना चाहिए। तो आप देखें आपका जो पॉसिबल आंसर आपका हो सकता है वो पॉसिबल आंसर यहां पर आप सेलेक्ट करेंगे, पॉसिबल आंसर आपको निश्चित तौर पर नजर आ रहा है कौन सा, ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आते हैं, यहां पर आपको कह रहा है कि राजेश अनिल का भाई है, तो भाई ये ब्लड रिलेशन का सवाल है, हमने मान लिया ये राजेश जी हैं और राजेश अनिल के भाई हैं, तो ये राजेश, राजेश का ये भाई कौन हो गया, अनिल, नाम से जेंडर दोनों का मेल नजर आ रहा। सुष्मिता सूरज की बहन है, छोड़ दीजिए क्योंकि इस पार्ट का जिक्र भी पीछे से कनेक्ट नहीं हो पा रहा। अनिल सुष्मिता का पुत्र, ये जो अनिल है अनिल सुष्मिता का पुत्र, ये सुष्मिता हो गई। नेक्स्ट कहा जा रहा है कि सुष्मिता सूरज की बहन है, सुष्मिता ये बहन हो गई किसकी, सूरज की। अब यहां पर से आपको बोला राजेश से सुष्मिता का संबंध क्या, राजेश से सुष्मिता का संबंध, यहां भाषा में गलती हो रही है, आंसर कोई भी ऐसा नहीं, राजेश से सुष्मिता का संबंध, सुष्मिता यहां पर माता होनी चाहिए थी लेकिन यहां पर कोई ऐसा जवाब नहीं, राजेश आपका यहां पर, ये राजेश क्या लग रहा है, राजेश पुत्र होगा, तो यहां पर आपका कर लेना चाहिए राजेश का सुष्मिता से क्या संबंध है, जिसके साथ से लगा होता वो कभी हमारा जवाब नहीं होता, तो यहां पर राजेश क्या हो जाएंगे, राजेश हो जाएंगे सन। नेक्स्ट आपका सवाल, इसमें आपको एलसीएम फाइंड आउट करना है, एलसीएम फाइंड आउट करना है तो आप उल्टा कर लीजिए, मतलब न्यूमिनेटर का एलसीएफ निकालिए और डिनोमिनेटर इसका, डिनोमिनेटर का एलसीएम। तो ऐसे केस में आपका 46 में जब आप इनका एलसीएम फाइंड आउट करेंगे तो एलसीएम आपको कितना मिलेगा, इनका लासा निकलेगा कितना, 6। नेक्स्ट आते हैं 47, चीनी के मूल्य में 25% की वृद्धि होने पर एक महिला 600 रुपए में कितनी किलो चीनी कम खरीद पाती, 5 किलोग्राम चीनी खरीद कम पाती है। तो जरा 600 रुपए का बजट है और उन 600 रुपए में वो 5 किलो चीनी कम खरीद पाती, कारण क्या, उसका 25 किलोग्राम मूल्य बढ़ना, तो जरा 600 का जब 25% निकालेंगे तो 600 का 25% कितना आ जाएगा, 600 का 25% आ जाएगा 150। इन 150 रुपए की वजह से वो 5 किलो चीनी कम खरीद पाती, यानी 150/5, तो चीनी का जो नया मूल्य आ गया वो नया मूल्य कितना रुपए आ गया, 30 रुपए पर केजी। आपसे उसने वास्तविक मूल्य यानी पुराना मूल्य पूछा हुआ है, तो ये 30 रुपए जो मूल्य है ये 25% की वृद्धि होने के बाद का है, यानी ये 30 रुपए जो मूल्य है ये 125 की वैल्यू है। आपको पुराना मूल्य चाहिए, पुराना मूल्य यानी आपका 100% का, तो ये आपका 100/125, ये आप काटेंगे 4 आ जाएगा, ये 5 आ जाएगा, यहां से काटेंगे आपका 6 आएगा, 6×24 रुपए आपका चीनी का पुराना मूल्य होगा। यहां पर आपको डिग्री स्टूडेंट से एक ऑप्शन आपका सही करना पड़ेगा, ये वाला ऑप्शन, यहां पर आपको कितना मिलना चाहिए, 24। तो चीनी का वास्तविक मूल्य कितना हो जाएगा, 24 रुपए पर केजी। नेक्स्ट आपका सवाल है, एक कमरा उसकी चारों दीवारों की आपका, आपको चारों दीवारों का क्षेत्रफल बताना अगर लेंथ ब्रेथ हाइट दे रखी है। चारों दीवारों का जब भी कभी क्षेत्रफल आपको एरिया बताना हो तो डियर स्टूडेंट आप सीधा फॉर्मूला इस्तेमाल करते हैं, 2L+B और इंटू क्या कर देते हैं, एच कर देते हैं। जब इस फॉर्मूले में आप पुटअप करेंगे तो आपके पास ये हो जाएगा 2
इनटू ब्रैकेट में आपके पास एल और बी कितना है, लेंथ और ब्रेथ है 6 और 8 और हाइट कितना है 10, इनटू 10 कर देंगे तो ये 8, 6, 14, 14 दुनिया 28 गुणे 10 यानी कितना हो जाएगा 280 सेंटीमीटर। नेक्स्ट 49 है, 1000 का 2 वर्षों में 10% की दर से चक्रवृद्धि ब्याज। तो भैया 1000 का 10% से अगर 1 साल में हम निकाल लें तो 1 साल में कितना हो जाएगा 100 रुपए ब्याज। तो 100 रुपए ब्याज हुआ ना 1 साल में। आपको बताना क्या है, आपको बताना है कि जो ब्याज है वो ब्याज आपका 2 साल में कितना हो जाएगा। तो 100 रुपए पहले साल में, 100 रुपए दूसरे साल में भी मिलना चाहिए, 100-100, 200 हो गए, लेकिन जो पहले साल में 100 रुपए ब्याज है इसका दूसरे साल में आपका 10% के हिसाब से 10 रुपए ब्याज और बनेगा, तो कुल ब्याज कितना हो जाएगा 100, 100, 200 और 10 रुपए और यानी कुल ब्याज कितना हो जाएगा 210 रुपए। तो आते हैं डियर स्टूडेंट्स हम लोग लास्ट क्वेश्चन की तरफ, 50 नंबर। ये आपका टाइम एंड वर्क से 20 आदमी किसी काम को 50 दिन में करते, सीधा चेन रूल फॉर्मूला लगा लीजिए, M1 आपका 20 आदमी है, 50 दिन, डेज की वैल्यू है 50, ये M1 D1 हो गया। M2 की वैल्यू आपको फाइंड करनी है, कितने लोग जरूरत है 25 दिनों में कार्य समाप्त कर रहे हैं, यानी D2 की वैल्यू दे रखी है, तो ये 25 गुणे आपको M2 आपका फाइंड आउट करना है। अब ऐसे में आपका यहाँ 25 से इसको काट लिए, 25 दुने 50, आपको पता चल गया 20 दुनी कितना आ जाए 40 आदमी। तो डियर स्टूडेंट्स ये थे आपका आज का जो टेस्ट पेपर आपका कंडक्ट कराया गया 16045, उसके सॉल्यूशंस टेस्ट आईडी ध्यान रखिएगा 16045। और आप में से जितने भी बच्चों ने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं करा हुआ, इस तरीके के ढेर सारे वीडियोस टेस्ट पेपर्स लगातार आपको पाने के लिए क्या करना है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है, शेयर करना है लोगों के बीच में। उसके अलावा आपके सामने एक और अच्छा सा प्रोग्राम है, अगर आप चाहते हैं कि नहीं सर से मैं जुड़ा रहूं तो आपको इस प्रोग्राम में आप हमारे ज्वाइन हो सकते हो, जो कि लाइव क्लासेस है, पेनड्राइव कोर्स है, हम आपको अपनी ऐप के ऊपर ऑनलाइन टेस्ट भी कंडक्ट कराते हैं एयरफोर्स के नॉन टेक और टेक के एग्जाम्स के लिए, साथ में नेवी के SSR AA NDA और AF कैट के लिए। इन टेस्ट के अलावा हम आपको ढेर सारा कंटेंट भी आपको लगातार जो है आपके PDF फॉर्मेट में आपके मेल पर भेजते रहते हैं। तो इन लाइव क्लासेस और बाकी चीजों की इंफॉर्मेशन के लिए आप हमसे इस नंबर के ऊपर संपर्क कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर वॉचिंग।